सारे तो आप कहाँ? ठीक है, मैं तो बोलूँगा इसी जगह बना दे हमारा रोजगार यहाँ पे, क्योंकि अगर ये जैसे डॉक्टर ने कहा था, मैं जज साहब ने जब मैं कोर्ट में था, क्योंकि ये 2017 में तो जब मैं हॉस्पिटल को किया था तो बालकर साहब ने मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी थी, तो उन्होंने मुझे जो बताया था कि मुझे नहीं मालूम था ये काम से बाहर 3 फुट की एक फुटपाथ हो, तो वो हमारी फुटपाथ नहीं थी, हमारी दीवार के साथ लगी, तो वहाँ बोले हमारी 3 फीट की हम इनको जगह देने के तैयार हैं, उसके बाद तकरीबन 7 फीट 8 फीट की जगह नहीं करती, इसमें हमारी जो है तो भाई आगे सड़क है ना, कुछ ही छुटा है मतलब फुटपाथ के वजह से, वो बोलेंगे कि सड़क आ जाती है तो सड़क भी नहीं है, तकरीबन 8 फीट की जगह इधर ही हमारी दुकान है, ऐसे एल शेप में थोड़ी थी, एल शेप में बना है, अगर सड़क पे जैसे वो बोलते हैं कि सड़क पे एम्बुलेंस जाती थी या तो इस जगह पे ऐसी है जहाँ 118 हमारे बन सके, साइज छोटा करते 10x, पहले हमारी 5x10 की थी, अब 5x8 की कर दी जी। इंतजार साहब आप क्या कहें? मैं ये कहूँगा कि पार्किंग जो जगह है इसके पीछे जगह कैसे छोड़ दी जाए, अगला है तो हम ही जगह छोड़ने के बाद जगह देखें, ये बेफजूल जगह पड़ी थी, बेतहाशा जगह पड़ी थी, हम ये नहीं कहते हमें कहीं और जगह दे दी, इस जगह पे हमें छोटे छोटे केबिन की इजाज़त दे दें, अभी जो रोजगार का सिलसिला कोई हमारी रोजगार का मतलब चल जाए, अभी जो बैठे हुए हैं यहाँ लोग बैठे हुए कैमरा मैन से कहूँगी कि आप उधर बहुत ना, तो ये सारी चीज़ें आप देखें, जगह खाली पड़ी हुई है, कोई मकसद नहीं है, अगर ये मकसद हल हो सकता है हमारा, अगर ये चाहे तो जाना चाहिए उनको, देखे ना लाकानूनियत नहीं होनी चाहिए किसी भी मुल्क में किसी भी शहर में। कैमरा मैन से मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा इनको दिखाएं कि ये फुटपाथ तोड़ने के बावजूद पे काम हो रहा है, इतने लोगों को बेरोजगार करने का क्या मतलब है, ये मोटरसाइकिल खड़ी है, ये सारा रोड से दूर है, आप इसको जैसे कि इंतजार साहब ने कहा कि आप इसे शॉर्ट कर दें, हमें केबिन की सूरत में दे दें, मगर कुछ तो करें, 118 दुकानें मायने रखती हैं, खुदा के वास्ते इस तरीके का जो रवैया है ये ख़त्म कर दें, कराची के लोगों को जीने दें, इन्हें भी जीने का हक है, ना कि ये कि अपना आप मत चलाएं। मैं खुद जाके सारा ये रोड सर्वे कराऊंगी आप लोगों को ना दें कि देखें इन लोगों ने इंतहा कर दी, सारी चीज़ें तो वैसे ही पड़ी है, कैमरामैन दिखाओ उसको उधर उस साइड पे सारा कुछ, ये जगह कितनी यहाँ पे कितनी जगह फालतू है, ये बेमकसद है, इसका कोई मकसद है? आप गवर्नमेंट से क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे, हम यही कहना चाहेंगे कि हमारा होटल था यहाँ पे, 2 दुकानें थी हमारे पास, हमारे वो ऑफिस की थी, और ये जो तोड़ा है जो ये सारे अखराजात, ये आप क्या करेंगे, आप लोग गवर्नमेंट पे डालेंगे या के मतलब आपस में डिवाइड करेंगे? गवर्नमेंट पे ही डालेंगे ना, आपस में कैसे डिवाइड करेंगे, जाहिर इतना दुकान है, ठीक है, और जो लोग हैं जिन लोगों के साथ ज्यादती हुई है उनको अगर आप बताएं तो ये फुटपाथ जवान से रोड देखिए कितनी बड़ी जगह है, अगर ये चाहे हमें कि अगर चाहे हमें यहाँ एक केबिन दे सकते हैं, रोड छोड़ने के बावजूद बनाते जगह पर पुरानी जगह बनाने के बाद भी ये 80 फुट रोड है, 80 फुट का कोई सर्विस को रोका है? ये जगह अंदर गली का रोड 80 फुट का होगा, आप यहाँ से नाप 80 फुट जगह है, तो 80 फुट के अंदर भी अगर हम 20 फुट जगह लेते 60 फुट जगह वो भी बच रही है, 10 फुट यहाँ हम आपको फुटपाथ भी छोड़ देते हैं, आप 3 फुट कह रहे हैं हम 10 फुट छोड़ देते हैं। ये देखें यहाँ पे आराम से दुकानें बन सकती है, गुंजाइश है, क्या है टीएमसी इसे बता लेती है, यहाँ पे सारा कुछ तो मौजूद है, ऐसे मेयर कराची से मेरी रिक्वेस्ट है
कि वो इसको इस मसले का हल ना फौरी करें। हज़ारों खानदान बेरोज़गार हैं और ये हज़ारों खानदान की आपने सुननी है, ये आपका बहुत बड़ा सवाब है। आप शाम को गवर्नर हाउस आते हैं, लोगों की सुनते हैं, ये देखें लोग आपको कितना पसंद करते हैं। ये रोड है, हम नहीं चाहते ये रोड पे तकलीफ हो, हम इस रोड पे नहीं चाहते। देखो आप ये तो हमारे जो इदारे बैठे हैं, ये खाली करने का मकसद क्या है? ये तो मकसद ये उनका मकसद ये हम तोड़ रहे हैं, दोबारा तोड़ रहे हैं, वो तोड़े खुद ही तोड़े खुद ही तोड़ रहे हैं। खुल जाता है, ये खुल जाता है। आप कराची खाली कर रहे हो ना, इस कराची को अगर आप डेवलप करना चाहो तरीके से, तो आपका कुरंगी के पास जो ये महमूदाबाद में कितना बड़ा आपने कचरे का गोदाम बनाया हुआ है, टेन सिटी जगह है, आप इसको छोड़ें। एक आपको जगह मैं ऐसी बताऊँ जिस पर माफिया बैठेंगे, मुझे गोली मार देंगे, मुझे अपने कुरंगी को उठा लेंगे, मैं मरने के लिए तैयार नहीं। मैं हाथ हाथ और सच बोल रहा हूँ, और सच बोलने वाले को मारा जाता है। स्क्वायर पे इतना बड़ा प्लाट खाली है टीएमसी का, आज इस पर कब्जा माफिया करी है, क्यों नहीं कराती खाली? हमसे खाली करा रही है जो हमारे छोटे छोटे बच्चे एलओटी कमा रहे हैं, वहाँ कब्जा माफिया इतनी खाली कराया जा रहा है। अटारी पार्क के सामने देखिए कितना बड़ा टीएमसी का प्लाट है, जिसमें 500 दुकानें बन जाएगी। आज इतना बड़ा टीएमसी का लेके बैठ कह रही है, टीएमसी वाला साहब के अंदर क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। आप पूरा शहर खाली कर दो, मगर तरीके से तो आप हाथ खाली कर दो, हमें एक सहूलत से तो दिखा दो, हम पैसे देंगे, हम किराया देंगे। अब आपका केएससी का किराया जो अगर यहाँ से ज़्यादा था, वो ज़्यादा 7 रुपये का ज़्यादा था, आपने तो अपना नुकसान किया तोड़ के, हमारा नहीं किया, आपने अपना नुकसान किया। तो इस नुकसान से बचने के लिए खुदारा हाथ जोड़ के कहता हूँ मेयर कराची, हाथ जोड़ के मेयर कराची से कहता हूँ, आप बुलाए हमें, हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं, टेबल पे बैठ के बात करने के लिए, आप हमारा ये मसला हल करें, किसी भी तरीके से करें। हम आपसे ये नहीं करें कि डेवलप के पैसे हमें दे दो, अगर नहीं है एजेंसी के पास ला दें, हम खुद डेवलप कर रही हैं, हमें कम से कम इतनी इजाज़त तो दे दो हम अपने बच्चों की हिफाजत कर सकें, हम अपने बच्चों के हाथ में चरस की गोली नहीं दें, चरस की जो गुजारा कर लो ना खाओ रोटी, ये रोटी तरफ ना लेकर जाओ, हमें हमें कलाशन की तरफ पत्ते कर जाओ, हमें रोजगार दो, हमें छानिए से रोजगार, हमें रोजगार चाह रहे हैं, हमें रोजगार चाहे, हम कुछ नहीं मांग रहे आपको, हमें खाली रोजगार की जगह। ये सब देख रहे हैं, इसमें आधे से ज़्यादा ये मुतासिर है, ये भी मुतासिर खड़ा हुआ है, ये भी मुतासिर खड़ा हुआ है, ये भी जी बाबा जी आखिर में कोई पैगाम देना? मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, मेयर साहब से पैगाम देना चाहता हूँ, वजीर आला साहब से भी, मुराद अली शाह से भी, हम आपके पैर पकड़ लेते हैं, हमारी बच्चों की रोटी का ठिकाना भी कुछ नहीं चाहिए। हम जब भी जाते थे, अभी 4.5-5 साल से जो टेम्पू में जाते थे, अब आवाम का मसला हल करना इसका काम है, इंशाल्लाह।